दोस्तों ये है 2024 मॉडल TVS राइडर 125 और ये है दोस्तों स्मार्ट एक्स कनेक्ट वाली 2024 मॉडल है और इसके अंदर अब आपको मिलेगा भाई तो 5 इंच का TFT LCD मिलेगा, गियर इंडिकेटर के साथ गियर भी बताएगा और ज़बरदस्त फीचर आए इसके अंदर अब आपको भी बताते हैं। सबसे पहले आप अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। यह रहा सबसे पहले आप देख सकते हैं सामने का लुक, LED वाले DRL लाइट आपको बहुत ही तगड़े फीचर के साथ मिलते हैं। और दूसरी बात, आपको इस वीडियो में पल्सर NS125 और पल्सर 125 और होंडा 125 उसकी भी आपको प्राइस बताएंगे और इसका प्राइस बताएंगे और दोनों सभी में कौन सा फ़र्क है, कौन सी लेना चाहिए आपके लिए, सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कॉल, मिस कॉल, ब्लूटूथ, कॉल कनेक्टिविटी, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहते हैं, गियर इंडिकेटर भी बताएं तो मैं आपको बताऊंगा कि आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन और कम भाव में सबसे बढ़िया गाड़ी आपको मिलेगी अगर वीडियो को पूरा देख लेंगे तो। ये रहा टेक्सचर डिज़ाइन के साथ मिरर और ये क्लच लीवर आपका एल्युमिनियम, ब्रेक लीवर भी एल्युमिनियम और बार एंड हैवी अब आपको इसके अंदर मिलेगा जो कि बाइक और हैंड की सेफ्टी के लिए बढ़िया है। इसके अंदर वॉइस असिस्ट की सुविधा है, देखिए आप जो बोलेंगे वो आपका ये काम करेगा, आपका ये बाइक बोलने से काम करेगा। वॉइस असिस्ट की सुविधा भी है, हाई पासिंग, हाई लो बीम, ये सब कुछ आपको मिलेगा, ये बटन भी पासिंग दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर आप देखेंगे तो USB चार्जिंग पॉइंट यानी कि मोबाइल भी आप चार्ज कर सकते हो, ये बहुत ही बढ़िया भी आपको साइड से दिखाते हैं। तो सामने TVS का लोगो, यहाँ पर नंबर प्लेट, यहाँ पर R का लोगो, यहाँ पर राइडर और आपको LED हेडलाइट मिल जाती है इसके अंदर। यहाँ पर आपको मिल जाता है भाई इंडिकेटर, ट्रांसपेरेंट ग्लास पर बल्ब वाला और चारों इंडिकेटर यही रहेगा सेम TVS Apache RTR 160 4V वाला है। और साइड पर देखेंगे तो इस तरह से आपको लुक मिलेगा, ये देखिए एक रोबोटिक और स्टाइलिश लुक में ये गाड़ी आती है। और मडगार्ड आप देखेंगे भाई तो बहुत ही प्यारा मडगार्ड डुअल टोन फिनिशिंग के साथ, आयल डंपर, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और यहाँ पर आपका 240mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा, ABS नहीं है, 8017 का ट्यूबलेस टायर और एक नई अलॉय व्हील मिलेगी, ये देखिए अलॉय व्हील एकदम बढ़िया तगड़ी अलॉय व्हील है भाई, कलर भी ज़बरदस्त है, मॉडल भी बढ़िया है। इसके अंदर आपको लेग गार्ड बहुत ही गजब का मिल जाएगा, सिंगल चेसी पे सिंगल हॉर्न आपको मिलेगा और यहाँ पर देख सकते हैं ये है इसका इंजन गार्ड। और बाइक थोड़ा गंदी है क्योंकि रोड के साइड खड़ी है, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए लेग गार्ड अच्छा, इंजन गार्ड देखिए ब्लैक में बढ़िया, ये है इसका गियर लीवर और इस तरह से रहेगा। साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का सेंसर भी यहाँ पर है, TVS का लोगो और ये रहा इंजन। और इंजन के अंदर पता है कौन टेक्नोलॉजी है, 3 वाल, 3 वाल पर ये गाड़ी भाई मिलती है, एयर कूल, एयर एंड आयल कूल है, दोनों सिस्टम से ठंडी होगी, सिंगल सिलेंडर SI इंजन है, 124.8 CC 3 वाल पर। और ये भाई जो है TVS इंटेलिगो की सिस्टम है यानी कि बाइक खड़खड़ाई बिना ही स्टार्ट हो जाएगी, बहुत ही प्यार से स्टार्ट होगी ये गाड़ी, ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और ये देखिए इसका इंजन इस तरह से रहेगा आपका, ओनली सेल्फ स्टार्टर और मैक्सिमम पावर है 8.3775 RPM। और हाँ ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा भाई कि इसका पावर थोड़ा सा कम है, पिकअप भी मैक्सिमम टार्क 11.2 6000 RPM है, स्प्लेंडर का भी आपको मिलेगा 6500 का, 8000 स्प्लेंडर का है, तो थोड़ा सा ये चीज़ आप समझ सकते हैं। TVS इंटेलिगो का सिस्टम, हॉर्स का 3D वाला एल्युमिनियम का लोगो, आप 3 टोन फिनिशिंग यहाँ पर आपको मिलेगा इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पर रेडर का 3D वाला एल्युमिनियम वाला स्टिकर मिलता है एकदम बढ़िया, ये देखिए पूरा टेक्सचर डिज़ाइन यहाँ पर भी आपको स्टिकर मिलेगा। और यह ब्रेक और फुटरेस्ट, ब्रेक लेबर इस तरह से फुटरेस्ट तो बहुत ही गजब की है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 10 लीटर यानी 10 लीटर पेट्रोल आएगा, यहाँ पर आपका टेक्सचर डिज़ाइन, A20 मॉडल। और यह रहा USB चार्जिंग पॉइंट, यह है मोबाइल चार्जिंग करने का जुगाड़। और उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका मेनू बटन है, इको पावर, सेल्फ स्टार्टर, बार एंड और ये देखिए इग्निशन इस तरह से ऑन होगा, ये देखिए इको मोड, यहाँ पर आपका देखिए क्लॉक है इसके अंदर, फ्यूल, यहाँ पर आपका RPM, यहाँ पर स्पीड, यहाँ पर गियर बताएगा कितने गियर में गाड़ी है, हाई राइडर, देखिए ब्लूटूथ यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। वॉइस असिस्ट के भी सुविधा है, ये देखिए गियर इंडिकेटर, RPM, यहाँ पर देखिए एवरेज स्पीड, ऑडियो और यहाँ पर देखिए माइलेज कितना देगी ये भी आपका शो करेगा, ये सारी चीज़ें इंडिकेटर, ये फाई लाइट, पासिंग और उसके बाद वार्निंग, यहाँ पर लो फ्यूल वार्निंग, इंडिकेटर, साइड स्टैंड आप लगाएंगे तो भी ये बताएगा, देखो दिखाता हूँ लगा के, बहुत ही बढ़िया सिस्टम है भाई इसके अंदर, देखो साइड स्टैंड जैसे लगा दिया तो यहाँ पर ये देखिए जल गया, साइड स्टैंड डाउन यहाँ पर बताया भी है, देखिए साइड स्टैंड डाउन, साइड स्टैंड डाउन देखो ऐसा आता रहेगा, ये देखिए ये सिस्टम बहुत ही तगड़ा, हदर गाड़ी में सिर्फ एक बार आए यहाँ पर लिख जाएगा बात, इसमें देखिए कितना बढ़िया बता रहा है, बार बार ये बताएगा आपका कि साइड स्टैंड डाउन, वो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा। तो ये पूरा कंसोल इस तरह से रहेगा और इसकी चाबी ये रही, चाबी देखो आप, ये देखो आप इतना व्हीकल इंफॉर्मेशन, ये सब कुछ यहाँ पर आपका बताएगा। अब इसे ऑफ हो गया, ऑन करेंगे तो इस तरह से 2-3 सेकंड लेता है ऑन होने में, ये देखिए पूरा कंसोल, साइड स्टैंड डाउन देखो बता रहा है, हेलमेट वार्निंग सब कुछ इसके अंदर मिलेगा। अब साइड स्टैंड यहाँ पर मैं उठा देता हूँ, ये देखिए उठ गया,
और ये वॉइस असिस्ट की सुविधा, यहाँ पर बटन दबाएंगे ना तो ये वॉइस असिस्ट का भी सिस्टम इसके अंदर है। ये बहुत ही बढ़िया, देखो डैश कनेक्टेड डिवाइस, नो ब्लूटूथ डिवाइस पेयर, ये सब कुछ यहाँ पर शो करेगा। तो पासिंग हैलोजन टर्न सिग्नल, वॉइस असिस्ट का बटन, टर्न सिग्नल, हॉर्न, ये पूरा हैंडल बार इस तरह से रहेगा। आप क्लस्टर देख लिए इसका, यहाँ पर मोबाइल चार्जिंग, E20 मॉडल, 10 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी, स्मार्ट एक्स की ब्रांडिंग यहाँ पर आपका मिलेगा और उसका 3D वाला लोगो। अब ये कंसोल भाई पल्सर NS125 ना होंडा SP और ना भैया आपको मिलेगा उसमें पल्सर 125 ना NS125 ना होंडा SP XP125 ना आपको ग्लैमर में ही मिलेगा ये फीचर। ग्लैमर स्टेक में भी आपका इतना बढ़िया टेफ्रियल सीटी नहीं मिलेगा, वो भी कलर वाली। और यहाँ पर आपको सीट मिलती है स्प्लिट में, ये देखिए सबसे बढ़िया अलग अलग आपको सीट भी मिल जाती है। रेडर का 3D वाला लोगो, यहाँ पर आपको ज़बरदस्त स्टिकर मिलता है, ग्राफिक्स देख सकते हैं। और रियर में आपको मिलता है मोनोशॉक सस्पेंशन इसके अंदर, ये देखिए मोनोशॉक सस्पेंशन है, सिंगल फाइबर का चेन कवर, फुटेज देख लीजिए बहुत ही बढ़िया आपको मिल जाता है। और यहाँ पर साइड स्टैंड आपको मिलेगा, और ये देखिए स्विंग आर्म, आपका लोहे का स्विंग आर्म मिलता है, ये देखिए सारी गार्ड काफ़ी बढ़िया मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया फुटरेस्ट, ये देखिए पूरा ग्रे ब्लैक का कॉम्बिनेशन, ये रहा ग्रेवरेल, तो ग्रेवरेल भी आपको बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा इस तरह से, ये देखिए। और ये साइलेंसर का मफलर, ये देखिए पूरा ब्रेक सो इधर स्विंग आर्म देखिए, और पीछे का टायर 190/17 130 mm का ड्रम ब्रेक, ये देखिए पूरा सिस्टम ग्रेवरेल। पीछे की तेल लाइट बढ़िया LED वाली आपको मिलती है बहुत ही अच्छे शेप में, इस तरह से बहुत ही गजब का लुक देगा ये। यहाँ पर आपका TVS लिखा रहेगा, चाबी लगा के सीट खोल सकते हैं, नंबर प्लेट यहाँ पर आपका नंबर प्लेट लगेगा, ये देखिए पूरा सिस्टम। और दिखाता हूँ इसके अंदर कुछ, अंडर सीट के अंदर स्टोरेज भी दिया गया है बहुत ही बढ़िया, देखो चाबी लगा लिया तो भी अभी चल रहा है, यहाँ से इसे खोलेंगे तो इस तरह से ये देखिए खुल गया। इसके अंदर इतना स्टोरेज भी दिया गया है, ये देखिए इसके अंदर आपको ये टोल बॉक्स, ये सारी चीज़ें, इतना अच्छा जगह यहाँ पर आपको मिल जाती है, तो काफ़ी बढ़िया प्रॉपर आपको जगह मिल भी जाती है इस तरह से, ठीक है, ये सिस्टम बढ़िया रहेगा। तो ये चीज़ आपको कोई नहीं दिखाया होगा यूट्यूब पे भाई, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं भाई, इसकी गाड़ी का वज़न है 123 यानी 123 किलोग्राम। और ये जो रियर में आपने सस्पेंशन मोनोशॉक देखा, ये 5-स्टेप एडजस्टेबल है, गैस चार्जर है। और उसके बाद दोस्तों इसका पीछे 130 mm ड्रम ब्रेक है, माइलेज भी अच्छा है। तो इस गाड़ी का वज़न है 123 किलोग्राम। वीडियो पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, 4 कलर में ये गाड़ी आपको मिल जाएगी।